पटाखा तो फूटा भैया, रुक जा के नागमणी लेके जाएगा पूरी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा मैं समर भाई साहब। हम इन बोतलों को फेंक देते हैं। तो गाइस मैं शॉप पे गया, वहाँ से भैया इन 6 बोतलों को लेकर आया हूँ। पूरे 20 रुपए की मिली है भाई साहब, देख रहे हो तुम। तो गाइस आज इस वीडियो में हम इन बोतल से वाइन टर्बाइन या विंड टर्बाइन बनाएंगे, जैसे आप जानते हो फ्री एनर्जी के नाम से। और गाइस आप उस एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर सकते हो, उससे पावर ले सकते हो, बैकअप ले सकते हो। तो गाइस यकीन मानिए बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलेगा, चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर। चलो फटाफट, ज्यादा पावर हो जाएगी ना। चलो समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस ये है लकड़ी का तख्ता। अरे डरो मत ना भाई, ये बंदूक ना, ये साउंड इफेक्ट थे। तो भाई साहब वैसे भी कितने लोग डरते हैं आजकल। तो भैया हमें चाहिए कोई भी लकड़ी का तख्ता, बस गाइस थोड़ा सा गाइस मोटा लेना। तो गाइस ये काफी गंदा है, फटाफट गाइस इसे ब्यूटी पर लेके चलते हैं और लोंडे को चिकना बनाते हैं। तो गाइस आज मैं सुबह ही समझ गया था मैं गरीब हूँ कि भाई साहब आज मैं लंच में लकड़ी का बारूदा खाने को मिलेगा। भाई साहब बालों वालों में समय, मेरे बाल तो भाई वैसे भी ब्रश का काम करते हैं खड़े। तो भाई ये एक तरह का हेक्सागन बन गया है, यानी कि आई थिंक षटकोण कहते हैं इसे हिंदी में। आप भाई साउथ स्क्वायर भी ले सकते हो, यानी कि चौकोर ले सकते हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस ये बन चुका है एक ऑक्टागोन, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टभुज, अष्टभुजाएं। तो भाई आप स्क्वायर बना सकते हो, हेक्सागन बना सकते हो, जितने गाइस आपके रिक्वायरमेंट हो, जितने आप बोतल लगाओ उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हो। अब भाई साहब नहीं चला जाएगा, कोटा थोड़ा ऊंचा कर लिया है। अब गाइस हमें एक पुली बनानी है। गाइस मैं पहले सोच रहा था कि वैसे एल्युमिनियम की पुली ले लूं, भाई ये काफी महंगे थे भाई। सोच रहा हूं गाइस सारा ये चीज आज जुगाड़ सी बनाई जाए, जिससे गाइस कोई भी बना सके। तो भैया लकड़ी की पुली बनाते हैं फटाफट। तो देखिए गाइस क्या मस्त पुली बनी है बॉस। अब गाइस क्योंकि मैं हर चीज आपको कैमरे पर नहीं देख सकता, तो गाइस जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं वो काफी वक्त ले जाते हैं ना। आपको तो लगता है कि 10-15 मिनट वीडियो बन गई और खत्म, ऐसा नहीं बॉस, पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं वीडियो बनने में। आते गाइस इसके दूसरे पार्ट पर। ये वाला पार्ट तो गाइस आपने देख लिया था, हमें एक ये और चाहिए, देखिए बिल्कुल बढ़िया। और भाई ये जो बिल्कुल इसके बराबर का है, देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब ये तीनों आपस में चिपकेंगे, चिपकाने का तरीका थोड़ा लग रहेगा। यहाँ पर गाइस आप कोई भी शाफ्ट या रोड ले सकते हो, सीधी सरिया या लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो सीधा। मैंने इनमें होल कर रखा है, 6 mm होल है, बीच में एक ये रहेगा भाई, एक ये रहेगा। अब भाई ये शाफ्ट ना ये घूमनी चाहिए, जैसे देखिए ये घूम रहा है, ये भी ठीक घूम रहा है। अब भाई करना क्या है, इन्हें ऐसा लगा के भैया ना अच्छे से मैं चिपका लूंगा। फिर ऐसी लकड़ी है, वैसे आप स्टेड ग्लू से चिपका सकते हो, लेकिन भाई हम यहाँ से फेवर से चिपकाएंगे, वो बेस्ट रहेगा। अब गाइस इस शाफ्ट को मैं निकाल लूंगा वरना फेविकोल से ये भी चिपक जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से निकल लिया भैया, तो देखा अभी तो चिपक गई, देखा बहुत प्यार से, ये नीचे वाले सर के ना, हाँ देखो चिपक गया ना। अब चले गाइस फटाफट से धूम रखते हैं, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। अब गाइस इसे तो काफी वक्त लगेगा सूखने में, ठीक है। तो गाइस इतना आती है इसके मोटर पर। तो गाइस ये छोटी पुली जो हमने बनाई थी, तो भैया अब आती है कौन सा मोटर सेलेक्ट करें जो गाइस हमें आसानी से मिल जाए मार्केट में। तो गाइस आपके लिए सारे मोटर फ्री है, मेरे घर आ जाओ और ले जाओ, एड्रेस वही है नया वाला। चल झूठा। तो भाई ओ ये मोटर जो सुकन से नहीं लगे हुए, चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए 575 550 540 370 और भाई ये डायनोमा है, जनरेटर भी कहते हैं इसे, जनरेटर मोटर है, डायनो मोटर है, मतलब इसे घुमा तो सकते, कितना मस्त नहीं घूमेगा ये। गाइस जनरेटर है, पावर बनाने के लिए इसका जन्म हुआ है, इसका इन्वेंट हुआ है। तो गाइस आप चाहो तो यहाँ पे डीसी मोटर भी ले सकते हो, है ना, लेकिन गाइस जो मजा इसमें है ना वो मजा इनमें नहीं आ पाएगा, ये जल्दी खराब हो जाएंगे, इसका मामला गाइस थोड़ा लगे। गाइस ये रहा वो लोंडा इसके अंदर, ओ आई एम सॉरी, पिक्चर दिखा रहा अपनी ससुरा। और गाइस देखिए ये 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक बनाता है 4500 RPM, और भाई ये मिला है मुझे 199 रुपए का। तो गाइस लाइक कर दो, मैंने खर्च किया 199 रुपए, और आप भी जल्दी खर्च करो इसे बनाने के लिए। तो गाइस अगर आपको वैसी कॉलेज के लिए साइंस प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो गाइस आप इनमें से कोई भी चीप सस्ता सा 10-20-50 वाला मोटर ले सकते हो, और ससुरों को दो, स्कूल वालों को लो प्रोजेक्ट बना दिया मैंने, और चश्मा पहन के बैठ जाने एक साइड, क्योंकि आपने काम पूरा कर लिया ना टेंशन में बैठने का। तो गाइस हम बनाने हैं भैया काम का प्रोजेक्ट, तो गाइस हम इस डीसी मोटर या डीसी जनरेटर मोटर का यूज करेंगे। तो चले गाइस फटाफट इस पुली को इसके अंदर फिट कर लेते हैं।
ले जाए गाइस। ये पुली भाई भड़क करके लग गई है, बिल्कुल मस्त। अब आते हैं गाइस इस पर। तो भैया ये लगभग सूख चुका है। ये गाइस दो बैरिंग, और गाइस जो भी शाफ्ट आप यूज करोगे, आप इंच की, दो सूत की, एक सूत की, उसके हिसाब से बैरिंग लीजिएगा। ये बैरिंग इसके अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन अभी ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन खैर ये निकलते जा पहले आगे तो जब अबे तुम्हारी 17। खैर जो बात है कट लगाओ। ये भाई साहब बैरिंग, एक बैरिंग यहाँ फिट होना है और एक बैरिंग यहाँ फिट होना है, और दोनों के स्लॉट बनेंगे, यानी कि अंदर खांचा बनेगा और इसके अंदर ही बैरिंग लगेंगे, तब जाके भाई साहब ये शाफ्ट घूमेगी। तो गाइस फटाफट में फिट करते हैं। इन टूलों से कभी भी आज तक 17 गोल होल नहीं हुआ। देखो भाई कितना गोल हुआ है। तो गाइस ये दोनों बैरिंग बिल्कुल मस्त लग चुके हैं। अब भाई शाफ्ट नीचे को ना जाए या ऊपर को ना जाए। तो गाइस ये रहा एक नट, यहां मैं एक मार्क लगा देता हूं। और भाई इस नट को देखिए, ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स आ रहा है। ये भी नहीं निकल रहा, खैर अच्छी बात नहीं निकल रहा, तो मैं इसमें ठोक दूं। अब चौथा गाइस यहाँ पे एक छोटा सा वेल्डिंग का टांका मार सकते हैं या स्टड को लगा सकते हैं। वैसे गाइस ये बैरिंग खुद भी रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने ऐसे लगा दिया सेफ्टी पर्पस। तो गाइस ये भी हो चुका है कंप्लीट, और भाई साहब ये भी हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। तो गाइस अब फटाफट दोनों को रोकने का जुगाड़ देखते हैं। बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। पुली का जो फेस है वो इस तरह से रहेगा। वैसे गाइस पुली का कौन सा फेस होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला है, बाएं वाला? खैर जो बात है यहाँ बेल्ट चलेगी। तो गाइस ये बिल्कुल इस तरह से रहेंगे। तो गाइस इन्हें फिट करने के लिए मैं ले रहा हूँ एक पीवीसी का पाइप जो कि 40 mm का है, और गाइस ये काफी अच्छी क्वालिटी का पीवीसी पाइप है। तो भैया अब फटाफट इन्हें फिट करते हैं, लेकिन फिट करने की थोड़ी सी ट्रिक अलग रहेगी। कहाँ चलेगी? हाँ ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और भाई ये इसके अंदर जाएगा, क्यों गाइस आप जानते हो ये पाइप गोल है। तो भाई मैं थोड़ा सा ऐसा करने वाला हूं, मतलब थोड़ा सा पूरा जैसे है ना, थोड़ा सा स्क्वायर टाइप, जैसे गाइस ये इसके अंदर आसानी से चले जाए। इसे हीट करूंगा, जो जो प्रोसेस गाइस होता रहेगा वो आप देखते रहो। हाँ तो गाइस कैसा लग रहा है बाबा आदम के जमाने का ये डिजाइन? एक तरह गाइस ये फ्लाईव्हील का काम करेगा, वैसे मस्त है। और भाई ये दोनों बिल्कुल आमने सामने, और गाइस मोटर कहीं नहीं भगने वाला, मैंने चिपका भी दिया और पत्ते से रोक भी दिया। तो चले गाइस आप आते हैं इसकी बेल्ट पर। भैया बेल्ट कौन सा लगाएंगे? बहुत सारे ऑप्शन है। चाहो तो गाइस जब कुकर की रबड़ आती है ना जो ढक्कन में लगती है उसे भी लगा सकते हो, लेकिन भाई मैंने कहा था मैं सब चीज जुगाड़ से बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो गाइस जुगाड़ के लिए देखते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई साहब ये साइकिल की ट्यूब और ये चिपकाने वाली सॉल्यूशन इसकी, इसकी गाइस अलग आती है, ये आपको पंचर वाली शॉप पर मिल जाएगी, साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर आसानी से मिल जाएगी 20-30 रुपए की। तो गाइस बेल्ट अच्छे से लग चुकी है और भाई यहाँ पे देख सकते हो बड़ा काम कर रही है, जो बात है। चले गाइस अब इसमें बोतल लगा लेते हैं, क्योंकि गाइस ये प्रोजेक्ट ही बोतल का है। तो गाइस 4 बोतल में ले रहा हूँ, आप इसमें 8 बोतल भी लगा सकते हो, हवा का फ्लो बहुत अच्छा लगा, इस 4 भी काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा कम है तो 8 लगा लो, 6 लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया सबसे पहले हमें इनका कैप निकालना पड़ेगा, चारों का मैं कैप निकाल लेता हूँ। ये गाइस योगी 4 और फिलहाल इन्हें रखते हैं, अगर हल्की सी टूट फूट भी जाती है तो भी चल जाएंगे। पहले गाइस मैं ढक्कनों में होल कर लेता हूँ। अब भाई साहब डायरेक्ट मैं इस ढक्कन को इस पर लगा दूंगा। तो गाइस सारे बोतल तो अच्छे से कट चुके, लेकिन भाई अब इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और बाकी है। नीचे इनका बॉटम है ये और काटना गाइस ये ब्लॉक कर रहा है, इस तरह से मुझे थोड़ा सा फैलाना है, बिल्कुल सीधा फैलाना है। तो यहाँ पे एक लाइन शायद आपको ना दिखे पर गाइस मुझे दिख रही है, तो इस लाइन को आप सीधा काट दो तो थोड़ी सी फैल जाएगी, है ना, इसका एरिया बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आगे से हल्का हल्का बैंड कर दो बस। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस, इसकी टेस्ट में 2 दिन बात कर रहा हूँ, गाइस बाहर हवा नहीं चल रही बॉस। गाइस बड़ी दिक्कत है, देखो भाई हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, तो हवा बंद पड़े भाई इसकी टेस्टिंग नहीं करा सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, गाइस नेचर का मामला है, हमारे हाथ में नहीं, हम हवा नहीं चला सकते, लेकिन हाँ हम पंखा चला सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने 8 बोतल लगा लिया, इससे गाइस बिल्कुल मस्त काम कर रहा है, ठीक है? तो चले गाइस पंखा खोल के देखते हैं। तो भाई यहाँ मैंने एक जुगाड़ किया है, देखिए मल्टीमीटर में ये 2 क्लिप लगा दी, इसके वायर लगा दिए और भाई पंखा और लेकर आता हूँ अभी। तो भाई ये रहा हमारा पंखा, और इससे चला के देखते हैं, ऑन करते हैं और देखते हैं भाई चलता है। आगे चल तो गया है, वोल्टेज देखते हैं कितने बना रहा है। देखिए 0.79,
0.78 80 तक ये आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स 1 वोल्ट तक बना पा रहा है। हाँ तो गाइस इससे क्या पता लगता है कि गाइस जो हमारा जनरेटर मोटर है गाइस वो थोड़ा कम आरपीएम यानी कम चक्कर पर घूम रहा है, तो गाइस उसे थोड़ा मैं ज्यादा चक्कर देने पड़ेंगे। ये वाली पुली गाइस और बड़ी मांगता है ये, जिससे गाइस कम चक्कर में भी ये मोटर ज्यादा घूमे। और भाई थोड़ी सी कमियां और है, तो गाइस फटाफट इसी वीडियो में उन्हें पूरा कर लेते हैं। तो भाई इस पुली जस्ट डबल है भाई, सभी देख रहे हो प्लास्टिक के बने मैंने, इसके अंदर बैरिंग है। तो गाइस फटाफट मिलते हैं सारी कमी दूर करने के बाद। तो गाइस मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं, एक तो आप देख सकते हो यहाँ गाइस मैंने सीधी एक जो आइसक्रीम की स्टिक होती है वो लगा दी, इसका यहाँ पे सीधे रहे और हवा का दबाव ज्यादा पड़े इस पर, ठीक है। और गाइस पुली बड़ी कर दी है और एक बूस्टर मॉड्यूल लगा दिया है जिससे इसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाए। भाई मैंने एक चीप वाला बूस्टर मॉड्यूल लगाया है यहाँ पर, ये गाइस काम कर जाएगा, इसे 2 वोल्ट चाहिए, उसके बाद गाइस 28 वोल्ट तक बढ़ा सकता है। तो चले भाई अब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले हाथ से चला के दिखाता हूँ, यहाँ पर 0.0 वोल्ट है देखिए, ठीक है मैं चलाता हूँ, देखिए बढ़ेंगे और भाई आपको वायर दिखा दूँगी, वायर यहीं से जा रहे हैं सारे, ठीक है तो ऐसे कोई फेक वाला मामला नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले गाइस मैं आपको हाथ से लगा के दिखाता हूँ कितने वोल्टेज चले गए, ओ भाई कितने चले गए, इधर कर दो थोड़ा सा मैं भी देख सकूँ। तो भाई फिर से घुमा के देख लेते हैं, क्योंकि गाइस पहले तो बहुत अच्छी इसकी टेस्टिंग होगी और ये 15 वोल्ट तक चला गया था, देखिए हो भाई देखिए देखिए 15, 18 देखिए 16, 18 वोल्ट तक भाई जा रहा है। तो भाई ऐसे करते हैं सीधा 200 रुपये, ठीक है। तो भाई 21 वोल्ट तक गाइस चला के देखिए 22, ठीक है। हाँ तो गाइस आराम से 22-23 वोल्ट तक जा रहा है। अगर आप चाहो तो भाई इसके जो बोतल है ये थोड़ा बड़ा कर सकते हो, ये बीच का जो एरिया है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो गाइस और भी अच्छा काम करेगा। तो गाइस आपने देखा कैसे काम कर रहा है, काम काफी अच्छा कर रहा है। गाइस डबल वोल्टेज हो गया पहले से, हमने पुली बड़ी कर दी है और गाइस बोतल का गई आइसक्रीम की स्टिक लगा दी जो कुल्फी की स्टिक होती है। तो गाइस मैंने आपके लिए लाइव टेस्ट कराया, कोई फेक नहीं। एक बात और गाइस, जितनी भी कमी होगी बस इन बोतलों को लगाने से होगी। तो गाइस आप बोतल की जगह कोई पीवीसी शीट लगा सकते हो, 3 क्रस्ट की शीट लगा सकते हो, मतलब बहुत सारे जुगाड़ है। तो गाइस मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएगा, आप ऐसे बोतल लगा सकते हो और इससे पावर ले सकते हो। एक बात और गाइस देखिए, अगर हवा इधर से पड़ती है, जैसे गाइस देखिए इधर से पड़ती है अच्छे से घूमेगा, अगर हवा उल्टी अपोजिट साइड पड़ी तो गाइस ये अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। तो गाइस ये एक इसका ड्रॉबैक है, कुछ भी कह सकते हो। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।